महाकाल मंदिर परिसर में रील्स बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गर्भगृह और मंदिर परिसर में दो युवतियों ने जलाभिषेक और डांस का वीडियो शूट किया, जिनमें बैकग्राउंड में बॉलीवुड सॉन्ग्स चलाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस पर मंदिर के पुजारी जी ने आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शूट हुए वीडियो को लेकर तो विवाद और भी बढ़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश जी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इस तरह मंदिर में बॉलीवुड सॉन्ग्स पर वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ उनका कहना है कि ऐसे वीडियोस बार बार सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करने से महाकाल मंदिर की छवि धूमिल हो सकती है। महाकाल मंदिर में सैकड़ों कर्मचारी मंदिर की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, इसीलिए श्रद्धालु मंदिर परिसर और गर्भगृह तक जाकर वीडियो बना पाते हैं। हमारा नजरिया तो मंदिर की पवित्रता सबसे ज्यादा है, मंदिर की पवित्रता रहे, साथ ही मंदिर की जो पूजा पद्धति है उस पर कोई असर ना हो, ये सब चीज पे हमारा नजरिया है कि ये शुद्ध और पवित्रता से होना चाहिए। महाकाल मंदिर आराधना स्थल है, योग स्थल है, न कि नृत्य स्थल या भोग स्थल है। इन सब चीजों पे मंदिर प्रशासन को पूर्ण शक्ति से ताकत से रोक लगानी चाहिए। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि वीडियो की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। महाकाल मंदिर की अपनी मर्यादा है, वहां जाकर इस तरह बॉलीवुड गानों पर रील्स बनाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। देखिए, ये वीडियो अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसका परीक्षण किया जाएगा, सत्यता का परीक्षण भी होगा, किन परिस्थितियों में कहां पर इसको शूट किया गया है, कब शूट किया गया, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी और अगर उसके आधार पर कोई कार्रवाई बनती है तो उसको करेंगे। करीब एक साल पहले मनीषा रोशन नाम की एक महिला ने भी महाकाल मंदिर में एक वीडियो शूट किया था। उन्होंने फिल्मी गाने रग रग में इस तरह तू समाने लगा, इस गाने पर रील्स शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये वीडियो उज्जैन स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पास शूट किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने भारी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद महिला द्वारा माफी मांगने के बाद भी FIR दर्ज हुई थी। देखना होगा अब जो ताजा विवाद खड़ा हुआ है उस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।